बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये 1122 में जॉब्स आ चुकी है, बहुत अच्छी जॉब्स है। इसमें 350 तक फ्लक्स आसामी है, और इसमें जो जॉब्स है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, नायब कासिद और ड्राइवर, फायर रिसीवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मेडिकल टेक्नीशियन, सर्जिकल, हेल्थ पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया वगैरह, जो सारे डिप्लोमे होल्डर है। और इसके लिए जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, आपको डॉक्यूमेंट्स डाक पे नहीं भेजने होंगे, और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और वो अप्लाई का जो तरीका मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, और अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, सिर्फ अप्लाई करना है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो अप्लाई है वो 1 तारीख से शुरू होगी, और इसका एडवर्टाइजमेंट और इसके लिए क्या क्या पोस्ट है इसमें और इसका तरीका कार क्या है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई जॉब की अपडेट आपको बड़ा तहिर पहुँचती रहे, बर वक्त अप्लाई करते रहें। आप डायरेक्ट गूगल पे आएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे फाइंड न्यू पार्क, FIND फाइंड न्यू पार्क जॉब्स 24। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। ये पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पहला नंबर पर जो ऐड है, ये 1122 का ऐड है। और इसमें जो पहले नंबर पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, और BBS 16 है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिक इंस्पेक्टर है, 4 सीट्स है, Zone 1, Zone 5, खवातीन कोटा, और इस तरह आडियो रेड यो कैमरा मैन है, और लीड फायर रिसीवर है, 2 सीट है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 43 सीट है, Zone 5 के लिए 22 सीट है, और अकेली कोटा के लिए 21 सीट है। पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV या तरजीह हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल टेक्नोलॉजी, और मुतलका तजुर्बे रखने वाले को अहमियत दी जाएगी, और उम्र इसके हद जो है 18 से 30 साल है। इस तरह वायरलेस टेक्नीशियन है, वो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, फायर रिसीवर है, 29 सीट है, और ड्राइवर है, 13 सीट है, और हेल्पर फायर है मशीनरी, 14 सीट है। LTV ड्राइवर की 171 सीट है, Zone 1 के लिए 49 सीट है, Zone 2 के लिए 22 सीट है, Zone 3 के लिए 29, Zone 4 के लिए 12, Zone 5 के लिए 39, और कलियती कोटे 20। सिर्फ प्लम्बर है, माली है, हजाम है, इसके लिए जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो, और नायब कासिद है, और नायब कासिद जो है 1 सीट है, और इसके लिए जो तालीम है मेडल है, और इसके जो अप्लाई है ईटा की वेबसाइट पे ऑनलाइन है। किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे ETEA, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा, ये पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ईटा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगा, इसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। यहाँ जो 1122 के जो 1 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई है वो शुरू हो जाएगी, तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ ये अप्लाई आप देख रहे हैं, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई इस तरह की जो पेज की मेन्यू ओपन होगी। ये जो आपने पहले से ईटा पे अकाउंट बनाया हुआ, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है पहले से ईटा पे कोई मुख्तलिफ जॉब के लिए, तो आप लॉगिन पे आएंगे। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे अपना ईमेल वगैरह नाम और सही एंटर करेंगे, और लोग रजिस्टर पे जाएंगे, अपना प्रोफाइल में कंप्लीट डेटा और प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, बाद में आप पोस्ट के लिए अप्लाई सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले से अप्लाई किया है और आपने ईटा पे अकाउंट बनाया है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो अपना वॉइस में ऐसे नंबर और पासवर्ड देंगे, और आप नीचे जाएंगे और सिर्फ पोस्ट के लिए अप्लाई सिलेक्शन पोस्ट पे आप रिस्क 112 के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो बैंक चालान जो है वो आपको दे देंगे, और उसको आप बैंक में जमा करवाएंगे। तो ये अप्लाई का आसान तरीका है। तो इस तरह की नई जॉब के साथ दोबारा मिलूंगा, तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।